आप में से कितने हैं 20 से 25 साल के बीच में? तो आप तो ये फेस ही कर चुके होंगे कि लाइफ में ऐसा हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं जो हम करना तो चाहते हैं, बहुत एफर्ट्स तो लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वो पूरे नहीं होते। हाँ, सिर्फ आपके साथ नहीं, हर एक के साथ होता है, लगभग हर एक के साथ जो अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है, कुछ ऐसा कि उसके पेरेंट्स के नाम रोशन हो, उसका पेरेंट्स प्राउड फील करें, चाहते हो ना? एंड इफ योर पेरेंट्स, आपका बच्चा सच में चाहता है ऐसा कुछ करना जो आप लोगों को प्राउड फील करवाए, सच में सबका होता है। इस तरीके से हम लोग एक्शन भी थोड़ा थोड़ा लेते हैं, हर एक। तो मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने अपना जर्नी ऐसे ही शुरू किया था। मेरे को बहुत ड्रीम था, मेरे को अपने मम्मी पापा को नाम रोशन करना था। ऑल द ड्रीम्स आर देयर, बट एट द एंड ऑफ द ड्रीम द गोल इज टू मेक आवर पेरेंट्स हैप्पी एंड प्राउड। सो हम लोग तो चाहते हैं हमारे पेरेंट्स को प्राउड करना, पर बहुत डिफिकल्टीज आ जाते हैं कभी कभी। तो हमारे लाइफ तीन स्टेज में डिवाइड होता है, हमारे करियर या सब कुछ में। तो ऐसा ही फर्स्ट स्टेप होता है हमारे लाइफ में, जब हमारे पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो हमको पूरे करना है, हमको बहुत सारे कोशिशें रहते हैं जो हमको पूरे करना ही होता है, हमारे दिल से आता है जो हम मम्मी पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन कर दे। पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही जाती है। लेकिन अब आती है जो दूसरा स्टेज, जहां पे हम लोग ये दिक्कतें फेस करते करते करते, हारते हारते और लोगों के ताने सुनते सुनते हम लोग थक हार के छोड़ देते हैं। सही में ये बहुत ही नेगेटिव चीज है हमारे लाइफ में कि हम दूसरों के बातें सुन के हार जाते हैं, और दूसरे भी कुछ ना कुछ बोलते रहते कि नहीं होगा तुमसे। मेरे को भी ऐसा बोला गया था कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा, क्यों कर रहे हो ये सब, टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कर रहे हो पहले से वो करो ना, क्या फालतू के चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ अलग करने की क्या ही जरूरत है, भीड़ में चलो ना। क्योंकि लोग देख के उनको लगता है अगर कुछ अलग कर ले तो वो लोग पीछे पड़ जाएंगे, तो वो लोग आपको पीछे खींचते हैं। सिमिलरली मैं भी हार गया था, थक हार के सब कुछ छोड़ दिया था। पर कहते हैं ना, अगर एक भी छोटी सी आग की चिंगारी रह जाती है वो पूरे जंगल को आग जला सकते हैं। वो आपके सपनों का एक चिंगारी अगर रह भी जाए तो हर एक सपने पूरे हो सकते हैं। और मुझे वो एक ही चिंगारी जला के राख कर दिया और बोला, अगर कुछ करना ही नहीं था तो सपने देखा ही क्यों था, अगर कुछ करना ही नहीं था तो शुरू ही क्यों किया था, इतना टाइम वेस्ट कर चुके हो तो आगे भी करो ना, इसको इन्वेस्ट की तरह देखो ना। टाइम आप अगर कुछ अच्छे चीज़ों पर लगाते हो तो वो इन्वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर पैशन, फॉर मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, देन सही में आप कुछ अलग कर रहे हो। और आप अगर भीड़ से अलग चलते हो तब आप अलग हो, गलत नहीं। तो नेवर चेंज योर डेस्टिनेशन, यू मे हैव सम डिफिकल्टीज, चेंज ऑल दिस पथ्स, नो ऑल दिस पथ्स, यू कैन फेल मैनी टाइम्स, आई ऑल्सो फेल्ड मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार हारा है उसके बाद, लेकिन वो एक आग की चिंगारी जो मुझे फिर से जगा दिया, वो मुझे बार बार हार के भी जीतने के लिए कोशिश करवाता था। और कभी मैं हारा, कभी मैं थोड़ा जीता, कभी मैं हारा, कभी थोड़ा बहुत रिजल्ट आए, पर वो एक बात मेरे दिमाग में घुसती थी कि अगर ख़त्म ही नहीं करना है तो शुरू ही क्यों किया था। और अगर आप शुरू ही किए हो तो ख़त्म किए बिना उस रास्ते से मत हटना, क्योंकि आप अगर नहीं करो, आप अगर सो जाओ तो उसी टाइम में कोई और उस जगह जाग के उस जगह पे उस पाथ पे जा रहे हैं। तो आप अगर हार जाओ तो उनके लिए वो ऐसी है, और दूसरों को हरा के अगर आप चले जाओ तो आपके लिए जीतना ऐसी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 100 में तो 10 ऐसे होते हैं जो अलग सोचते हैं, तो आप अगर इन 10 में हो तो आप तो 90 लोगों को ऐसे ही हरा चुके हो। अपना सक्सेस के पीछे 100% फोकस दो। शायद आप बार बार हारो लेकिन सीखो, मैंने भी बहुत बार हारा लेकिन सीखा, बहुत कुछ सीखा, और इतना सीखा कि कभी कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए, थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी आ जाए,
आई एम ऑलवेज प्रिपेयर टू ग्रैब दोस एंड यू ऑल्सो हैव टू डू दिस। हमेशा इतना प्रिपेयर रहो कि अगर अपॉर्चुनिटी आपके हाथों के सामने आ जाए तो वह जाने ना पाए, आप उसी वक्त में फटाक से उसे पकड़ लो। सो डोंट वेट, जस्ट लर्न। इफ यू एवर फेल देन लर्न फ्रॉम इट। अगर आप हारते हो तो कोई बात नहीं, आप उसे सीखो और उस सीख को ऐसे काम पे लगाओ कि आपके पास जब बड़ा अपॉर्चुनिटी आए तो आप बहुत कुछ ग्रैब कर पाओ। और इतना सीखो कि आपके पास अगर कोई बड़े अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको आसानी से ग्रैब कर पाओ। और हाँ, आप छोटे छोटे चीज़ में हार रहे हो, इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि आप कुछ बहुत बड़े चीज़ के लिए बने हो जो आपके लिए वेट कर रहा है। सो डोंट क्विट, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेकेंड स्टेज में ही हार जाते हैं तो थर्ड स्टेज में बहुत ही कम लोग होते हैं। तो आप अगर उस चिंगारी को लेके थर्ड स्टेज में खड़े हो, यू कैन विन। और अगर कभी आपका वो चिंगारी बुझने की कोशिश करे तो एक चीज़ याद रखना, आप इंसान पैदा हुए तो आपका जीने का कुछ मकसद है। और इतना हार्ड वर्क करो, इतना एफर्ट्स लगाओ कि ऊपर वाला भी बोले यार क्या आइटम पैदा किया है। और हाँ, नेवर गिव अप, यू कैन डू इट। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। सो नेवर गिव अप, यू जस्ट हैव टू पुट एफर्ट्स। सो नेवर स्टॉप, जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। नेवर गिव अप। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।